रक्षा जी साहब, हैदराबाद जाना है, चलोगे? जी साहब क्यों नहीं बैठो। कितने पैसे लोगे? अरे साहब जो जायज हो वो दे देना। जो भी जायज हो क्या मतलब? अरे भाई जितने बनते हैं वो बताओ। आप ऐसे करो साहब, 200 रुपए दे देना। 200? चलो चलो भाई। साहब अल्लाह के नाम पे कुछ मदद कर दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ साहब। अरे जाओ यहाँ से, हट्टे कट्टे होके भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आते? मेहनत करके खाओ। अरे ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो उससे? गरीब इंसान है, कोई शौक से थोड़ी मांग रहे हो भीख। लो भाई जाओ बेटा। साहब मैं कब कह रहा हूँ कि वो शौक से भीख मांग रहे हैं, ये तो लोगों ने अपना पेशा बना के रखा है। अच्छा अच्छा बंद करो अपनी ये मंतक। चलो साहब आपने ऐसा ही नहीं किया, इनको समझाने के बजाय अगर आप इनको भीख देते रहोगे ना तो ये नस्ल पर नस्ल ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर चाहे गैरतमंद इंसान माजूरी क्यों नहीं हो, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अब अगर आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई हो तो मुझे हैदराबाद तक छोड़ दोगे? जी साहब। बस बस यहाँ रुक। ये लो साहब। खुले नहीं है? मेरे पास खुले नहीं है। अच्छा मैं सामने दुकान से खुले करा के ले आता हूँ। ठीक। और फिर चाहे गैरतमंद इंसान माजूर क्यों नहीं हो, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये लो साहब। हाँ ये रख लो साहब। ये क्यों? मैंने तो अपने पैसे ले लिए। कल पहला रोजा है, बच्चों के लिए इफ्तारी ले लेना। नहीं साहब मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मगर क्यों बेटा? साहब मैं माजूर जरूर हूँ लेकिन मुस्तहिक नहीं हूँ। ये पैसे आप किसी मुस्तहिक को दे देना। अगर ऐसा आदमी मुझे मिलेगा कहाँ से? साहब ढूंढने से तो खुदा भी मिल सकता है, वो तो फिर भी इंसान है।